नमस्कार, मैं हूँ लवली और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शुप्रा। मुजफ्फरपुर में ही मौत का सिलसिला जो है, बच्चों की मौत का सिलसिला, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 175 बच्चों की मौत हो चुकी है चमकी बुखार से, लेकिन अब इसमें एक नया मामला सामने आया है और वो मामला क्या है वो बताएंगे हमारी सहयोगी शुप्रा। बिल्कुल लवली, जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का कहर देखने को मिला और उसके बाद जो एक के बाद एक खुलासे हुए और उस हर खुलासे से सरकार पर लापरवाही का आरोप लगा, ये जो नया खुलासा इसमें हुआ है ये चौंकाने वाला है बिल्कुल। क्योंकि पहले दिन की अगर बात कर लें, जिस दिन चमकी बुखार का कहर जिस दिन शुरू हुआ था, उस दिन जब अस्पताल में 289 बच्चे उस वक्त अस्पताल में एडमिट किए गए थे और उसमें से 61 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रात में कुछ भी नहीं खाया था, वो खाली पेट सोए थे। फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये जो चमकी है, चमकी से पहले वो कुपोषण के शिकार थे। बिल्कुल, और इस तरीके से ये साफ हो गया है कि जो 61 बच्चे थे वो कुपोषित थे, उन्हें खाना नहीं मिला था जिस वजह से वो भूखे पेट सोए थे और उसके इसलिए कहर जो चमकी बुखार का था वो उन पर ज़्यादा पड़ा और जिससे कि मौत का जो आंकड़ा है वो सिलसिला लगातार बढ़ता गया। हालांकि ये अभी नया मामला सामने आया है, हो सकता है कुछ और बच्चे भी होंगे जो वो भी कुपोषण के शिकार होंगे। तो एक के बाद जो भी खुलासे हो रहे हैं उस खुलासे में सरकार ही घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये भी जिम्मेदारी सरकार की होती है कि आपके जितने भी बच्चे हैं या फिर जितने जनता है वो उनके पास एटलीस्ट खाना जो हो वो पहुंचे, बच्चे कुपोषण का शिकार ना हो, इसको लेकर भी आरोप लग रहे हैं। और जी शुभ्रा, लेकिन अभी चमकी से एक और जगह की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि रोहतास तक भी चमकी जो है पहुंच चुका है, वहां पे भी चमकी से एक बच्चे की जान जा चुकी है। बिल्कुल, और ये काफी अजीब सा होता जा रहा है, जहां अब चमकी पर रोकथाम लगने चाहिए थे, रोक लगने चाहिए थी, जिस तरीके से टीम अब हालांकि बहुत देर के बाद एक्शन में सरकार आई, लेकिन अब एक्शन में है और पूरी टीम लगी हुई है, डॉक्टर जो है लगातार अपना काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं और वो बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोकथाम लगनी चाहिए थी। लेकिन अचानक अब जो नई खबरें सामने आ रही है उससे ये दिख रहा है कि चमकी का कहर अब दूसरे जगह भी पांव पसार रहा है। अभी रोहतास की जैसे आप बात कर रही हैं लवली, तो रोहतास में एक बच्चे की मौत हुई है और परिजन से जब बात की गई तो परिजन ने यही बताया कि अचानक से बुखार आता है, बच्चे को अनुमंडल अस्पताल में ले जाया जाता है, वहां से गंभीर हालत को देखते हुए बाहर रेफर करते हैं और रास्ते में ये बच्चे की मौत हो जाती है। तो चमकी बुखार का कहर जो रुकना था वो अभी तक रुका नहीं है और लगातार जारी है। इसी बीच एक और अपडेट मैं बता दूं दर्शकों को कि इसके लिए मनेर में जो एक स्कूल है मनेर में, वहां के बच्चों ने हवन पूजन किया है कि चमकी बुखार जो है वो लोग कह रहे हैं कि प्रकृति का प्रकोप भी है और कह भी सकते हैं लवली, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ा है, गर्मी का कहर भी नहीं रुक रहा, लू की चपेट से भी बहुत लोग मर गए और राहत की सांस अभी बिहारवासी नहीं ले पा रहे क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बीच बच्चों ने वहां पर मौन धारण किया पहले उन बच्चों के लिए जिनकी मौत हुई है। और इस नई खबर पर, मतलब जो चमकी से रिलेटेड जो कुपोषण का मामला जो सामने आया है उस पर आपका क्या कहना है ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ अजय भारत, और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।